Hello everyone, welcome back to the channel, all ladies and gentlemen. Hope you are doing extremely well, guys. Thank you so much जो आपने कल की वीडियो में जो प्यार दिखाया, बस ऐसे ही हर वीडियो में प्यार दिखाते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट तो नहीं बोलूँगा, बस एक राय देना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर आप लोग कुवैत में जॉब करते हो ना, तो कुवैत में जॉब करने के रमज़ान में खासकर बहुत फ़ायदे होते हैं. वैसे तो कुवैत में जॉब करने के फ़ायदे हैं, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो. बट अगर रमज़ान में आप कर रहे हो जॉब, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इंडिया में तो मैंने नहीं देखा है, बट मैंने कुवैत में काम किया हुआ है 4-4.5 साल ऑलरेडी, तो मेरे को पता है कि रमज़ान में जब काम करते हैं तो रमज़ान में होती है सब लोगों की, जितने भी वर्कर्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी वाले, 6 घंटे काम करते हैं. और 6 घंटे काम करने के बावजूद भी आप लोगों को पूरी सैलरी मिलती है, कोई भी आपका पैसा नहीं कटता है. 6 घंटे की नौकरी होती है, और वो भी 7 बजे के बाद, डिपेंड करता है यू नो कि 7 बजे के बाद सारे ऑफिस खुल जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो 7 बजे के बाद खुल जाते हैं. ये नहीं कि आपका ऑफिस का टाइम सुबह का है तो सुबह आप जॉब कर रहे हो, नहीं, सारे ऑफिस टाइमिंग जो है चेंज हो जाते हैं. हम कुछ जैसे मैं रेस्टोरेंट में करता था, मेरा रेस्टोरेंट 6 बजे हम लोग जाते थे और 7 बजे ओपन करते थे, जब रमज़ान मतलब जब व्रत रखते हैं, व्रत खोलने के लिए यू नो जब वो पढ़ते हैं अपना व्रत खोलते हैं, पहला घूट जो लेते हैं पानी का, तो 7 बजे ये टाइम होती है, 6:50, 6:55, 7 o'clock, तो 7 बजे फिर रेस्टोरेंट ओपन होता है. फिर मतलब ये समझ लो पूरा कुवैत ओपन हो जाता है, ऐसी सारी गल्फ कंट्री, चाहे कुवैत हो, दुबई हो, मस्कट, ओमान, बहरीन, तो पूरी सैलरी मिलती है और बड़ा मज़ा आता है. और उस टाइम पर रौनक अलग ही होती है, जैसे दिवाली पर रौनक होती है ना अपने यहाँ, ऐसी रमज़ान में तो हद से ज़्यादा रौनक होती है, बहुत बड़ी बढ़िया बढ़िया ऑफर चल रहे होते हैं हर जगह. सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, सो मुझे अच्छा लगा था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. अगर कुछ लोग अगर प्लान कर रहे कि रमज़ान में घर आने का, तो भाई घर मत आओ, जॉब करो, ज़्यादा बेस्ट है. आज के लिए इतना, टेक केयर.